मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक रूप से जो दुर्बल है ऐसे समाज घटक को जो आरक्षण दिया था, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, आज उसको हरी झंडी ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसके कारण समाज में जिनको जातीय आधार पर आरक्षण नहीं मिलता किंतु जो सचमुच में गरीब है ऐसे लोगों को भी 10% आरक्षण प्राप्त हो रहा है, उनके लिए भी पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए अभी रास्ते खुल रहे हैं। ये बहुत महत्व की बात है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में मराठा आरक्षण का प्रश्न लगातार चल रहा है, उस पर हमारा वर्किंग चल रहा है, लेकिन तब तक हमारे मराठा समाज को भी इसके तहत आरक्षण मिलने वाला है। अल्पसंख्यकों में भी जो बहुत गरीब है उनको भी आरक्षण मिलने वाला है। बाकी भी जिनको जाति आधार पर आरक्षण नहीं मिलता उनको भी ये 10% में आरक्षण मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही माइलस्टोन इस प्रकार का ये जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। भारत जोड़ो यात्रा से मोदी जी को लगता है इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, अपोजिशन जोड़ो यात्रा है। अपोजिशन को जोड़ जोड़ कर मोदी जी को हटाने का ये प्रयास करें, लेकिन मोदी जी लोगों के दिल में बसते हैं, ऐसी कितनी यात्राएं निकल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि वो फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन इस फैसले से ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जातिवादी है। सर, बड़ा बयान दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उदित राज जी ने जो बयान दिया है उससे कांग्रेस पार्टी सहमत है क्या, ये कांग्रेस पार्टी ने बताना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है, ये कांग्रेस पार्टी ने बताना चाहिए, तभी इसके ऊपर हम कोई बयान देंगे। केंद्र सरकार के दबाव की वजह से बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, ऐसा आरोप लगाया कांग्रेस ने। ठीक है, नाना पटोले हमारे मित्र हैं, वो सुबह से शाम तक आरोप लगाते रहते हैं, जो मन में आया बोलते रहते हैं, बेसिर पैर बातें करना उनकी आदत है, उसके ऊपर थोड़ी जवाब दिया जाता है।